चलो गाइस, तो स्वागत है आपका 5th एपिसोड में। तो स्टार्टिंग में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है और तभी हमें एक मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं बहुत सारे वहाँ पे, और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक कैप्टन खड़ा होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहते हैं उसके जो सोल्जर होते हैं कि मॉन्स्टर आ चुके हैं, और एक सारा यूनिट ऑल यूनिट सुनो, हमें जो है एक एडवेंचरर की तरह लड़ना होगा, और जो हमारे ऊपर पूर्वज हैं वो हमें ब्लेसिंग देंगे कि हम लड़ें। तो उसके बाद सारे यूनिट के होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, और तभी हमें वहाँ पे मिस एलिना और यूपीरिया दिखाई जाती हैं। जो इरिपा होती है वो कहती है, मिस एलिना मुझे काफ़ी डर लगा है। फिर वो कहती है, मुझे तो बस एक स्पेशल मटेरियल लेना है। और उसके बाद मिस एलिना कहती है, अगर तुम ठंडी लग रही है तो मुझे तुम पकड़ सकती हो। और फिर सीन चेंज होता है, वो एक घर में दिखाए हो जाया होते हैं, और तभी वहाँ पे जो मिस पीरा आके पूछती है एलिना से कि तुम्हें वो एलिमेंट क्यों चाहिए। तो फिर बताती है, क्योंकि मुझे जो है मैजिक एक मैजिशियन बनना है, इसलिए चाहिए वो, और उसे मैं जो है एक बायोलॉजिकल बॉडी पे अप्लाई करूँगी। और फिर पूछती है कि वो बायोलॉजिकल बॉडी कौन है, तो बोलती है कोई और नहीं, वो मैं खुद ही हूँ। फिर बोलती है कि वो सेव है, बोलती है हाँ बहुत सेव है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, उससे ये इतना होगा कि मैं उसे एक मॉन्स्टर बन जाऊंगी जिससे मुझे पावर मिलेगी, पर मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगी। फिर सीन चेंज होता है, वो हमें दोबारा उड़ती हुई दिखाई जाती हैं जो ड्रैगन पर जा रही होती हैं। तभी वो देखते हैं एक धमाका होता है, तभी वो कहती है कि हमें जल्दी जाना होगा, और तभी वहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो लड़ाई चल रही होती है, और तभी वहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वो सारे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर जो होता है वहाँ पर गिर जाता है, तभी उसका कैप्टन वहाँ पर आकर उसकी रक्षा कर रहा होता है। तभी जो मॉन्स्टर होता है भालू मॉन्स्टर, वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी जो मिस एलिना होती है वो एकदम से आती है और उसको बीच में से काट देती है, और कहती है क्या मजाक था ये। और उसके बाद जो वो सोल्जर होता है उनकी तरफ कहता है कि आप ही असली कैप्टन हो। और उसके बाद वो वहाँ से कैप्टन को बुलाती है, कहती है कैप्टन यहाँ पे आओ। फिर पूछते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, तो बोलता है प्रॉब्लम है, तो बोलती है प्रॉब्लम जरूर ड्रैगन होगा, तो बोलता है हाँ। फिर बोलती है ठीक है, फिर मुझे भी छोड़ दो ये सब। और फिर उसके बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं ड्रैगन से लड़ने। तभी जो एलिना होती है वो बोलती है क्या अकेले लड़ना अच्छा होगा, तो बोलती है कि हाँ अकेले लड़ना सबसे अच्छा होता है। उसके बाद बोलती है ओके फाइन, वो मैजिक एक टैबलेट निकाल लेती है। और फिर जो मिस एलिना होती है वो पूछती है कि ये क्या है, बोलती है मेरा ही मैजिकल पिल्स है। और फिर वो कहती है कि इसे खाना सेफ रहेगा, बोलती हाँ इसे सेफ रहेगा, इसे कुछ नहीं होगा, ये हमें एनर्जी देगा। फिर जिसे मुलाती बोलती वो वाली एनर्जी नहीं देगा, ये मॉन्स्टर से लड़ने की एनर्जी देगा, और इसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम जो है अपनी सोचने की बस एबिलिटी खो दोगी। उसके बाद ये इसे खा लेती है, और उसके बाद जो होता है इसका असर होना शुरू हो जाता है। ये देखिए ईपी काफ़ी डर जाती है, और फिर उसके बाद जो मिस एलिना होती है वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो कहती है कि मैं अब ड्रैगन इंतजार कर रही हूँ। फिर उसके बाद कहती है अब बहुत मज़ा आने वाला है ड्रैगन को मारने में। उसके बाद वो जो वहाँ पर छोटे मोटे जानवरों को मारते हुए आगे जा रही होती है, वो जितने भी उसके सामने जो आते हैं उन सबको मार देती है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उसके सामने आ जाते हैं, और तभी जो इरिपा होती है वो वहाँ पे आ जाती है, और वो कहती है तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं जो अपने फायर का यूज़ करने वाली हूँ। फिर अपने फायर का यूज़ करती है, फायर मैजिक का, और जो सारे मॉन्स्टर को वो वहाँ पे मार देती है। तभी जो है हमें फाइनली जो ड्रैगन दिखाया जाता है ऊपर की तरफ, जिसे देख के जो मिस एलिना होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसको तो पहली नज़र में ही प्यारा होता है, कहती है कि भाई कितना प्यारा है ये, मैं इसको अपने हाथों से छुआ जाती हूँ। और फिर ये कह के वो आसमान में उड़ जाती है और फिर उसके ऊपर जाके हमला कर देती है, पर जो ड्रैगन है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो कहती है कि ये काट क्यों नहीं पा रहा मेरे तलवार, काट क्यों नहीं पा रही। फिर वो दोबारा हमला करती है, पर इस बार भी जो ड्रैगन को है कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और तभी जो ड्रैगन है वो उस पर हमला करता है। वो उसके हमले को डोज करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो हमले को डोज भी कर देती है, पर इतना डोज नहीं कर पाती। फिर लास्ट में जो है वो नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। तभी जो ईपा होती है वो उसको देखती है और वो कहती है कि मुझे इसको बचाना होगा किसी भी तरह। और फिर वो जो कहती है कि मुझे बहुत तेज जाना होगा, फिर अपने पावर का यूज़ करती है और बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे दौड़ने लग जाती है। और जैसे ही जस्ट वो जो
मिस एलिना गिरने वाली होती है तभी वो उसको कैच कर लेती है। और फिर उसके बाद जो मिस एलिना होती है वो अपनी आँखें खोलती हैं और उसके बाद वो देखती हैं ड्रैगन को, और ड्रैगन को देखने के बाद वो फिर से जो होती है टैबलेट खाने वाली होती है। तभी जो मिस ईपा होती है वो उसको गले लगा लेती है जिससे उसकी टैबलेट गिर जाती है, और फिर बोलती है तुम बस मरने वाली ही थी, तुम ये कर क्यों रही हो, पूछती है ईपा। फिर क्या ये बताती है कि मुझे जो है मैं एक मैजिशियन हूँ, और मैजिशियन का मोटा है जो लोगों के चेहरे पर स्माइल ला सके, पर यू वांट टू डाई, तुम मर जाओगे इसके लिए। फिर उसके बाद वो कहती है सो प्लीज़, जो ईपा कहती है प्लीज़ रुक जाओ, और जो मिस एलिना है वो नहीं मानती हैं। और तभी जो ईपा होती है वो कहती है ठीक है फिर मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। फिर वो बोलती है चलो ठीक है चलते हैं, और फिर वो दोनों होते हैं जो आसमान में उड़ने लग जाते हैं। तभी वो कहती है कि जो इस मॉन्स्टर ने लगता है किसी मैजिक से जो है अपने आप को कवर कर रखा है, पर इसके जो पंख है वो कवर नहीं है, तो हम इसके पंखों पे हमला कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा पीछे से हमला करना होगा। तभी जो मिस ईपा होती है अपने मैजिकल प्रोग्रेस करती है और बहुत ही तेज़ी से ऊपर आ जाती है, और तभी हम देखते हैं कि जो एलिना होती है वो ऊपर से कूदती है और उसके पंख पे हमला करती है, और बहुत ही कोशिश के बाद कट जा फिर उसके जन से पंख उसके कट जाते हैं और वो नीचे गिरने लग जाता है ड्रैगन। और फिर उसके बाद तभी हम देखते हैं जो वहाँ पे एकदम तेज़ हवा चलने जाती है, और जैसे हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन है वो मरा नहीं होता, वो अभी जिंदा होता है और अपने सबसे खतरनाक पावर का यूज़ करने वाला होता है। और तभी वो कहती है लड़की कि अगर हम इस पावर को रोकेंगे तो जो भी बंदे दिख रहे हैं आपको ये मर जाएंगे, और फिर उसके बाद वो कहती है कोई बात नहीं मैं इसको रोकूंगी, और फिर वो जाती है उसको काटने लग जाती है, और फिर ये कहती है इसको इम्पॉसिबल है ये तुम नहीं काट पाओगी, तो कहती है ये इम्पॉसिबल को मैं ही पॉसिबल करती हूँ। फिर अपने तलवार कहती है तुम अपनी जितनी लिमिटेशन है तुम्हारी उसको निकाल दो और अपनी पूरा पावर लगा दो, और फिर उसके बाद वो जो तलवार होती है वो भी अपनी पूरी जी जान लगा देती है और एकदम से रेड कलर में हो जाती है ब्लू कलर से, और तभी जो उसके इतने पावर को नहीं झेल पाती और उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है, और फिर तभी वो बोलते हैं कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसे मैं पॉसिबल करूँगी, और फिर इसी करके जो ईपा होती है वो भी उसकी हेल्प करने लग जाती है, उसके पीछे खड़ी हो जाती है उसको रोकने के लिए, और वो फिर जो हमले को है उसको काटने लग जाते हैं, और तभी देखते हैं कि वो ड्रैगन को बीच में से काट देते हैं और जो ड्रैगन होता है वहाँ पर गिर जाता है, और सभी जो एलिना होती है वो उस ड्रैगन के पास जाती है, और वो ड्रैगन जो देखते हैं हम कि वो आँखें खोलता है, और उसके बाद कहता है वेल डन विजिटर, और फिर तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें तो मार दिया था तुम्हें मारने के लिए सॉरी, बोल तो मार दिया ये वो सुनता हंसने जाता है, और फिर तभी वो एक चीज़ सोचती है उसको बहुत ज़्यादा डर होता है, फिर उनसे कहती है कि ये तो मुझे लगो मार ही देता, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पे वो ड्रैगन मर जाता है फाइनली, और उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है हमारा, और ये जो ड्रैगन के मरने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, पर जो मिस एलिना होती है उसको ये पार्टी अच्छी नहीं लगती, कहती है बोरिंग पार्टी है, और तभी जो ईपा होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है, कहती है कि मैं भी डांस करने की कोशिश कर रही थी एक लड़के के साथ पर इतना वो नहीं कर पाई कनेक्ट, और फिर तभी उसको याद आता है कि ये क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे हम पिछले एपिसोड में देखते हैं कि जो उसका एक लड़का होता है उसकी बेइज्जती कर देता है भरी महफिल में, फिर कहती है कोई बात नहीं तुम यहाँ डांस कर सकती हो, और यहीं पर हमारा जो एपिसोड होता है खत्म हो जाता है, और जो अगला एपिसोड है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, पर आप प्लीज चांस क्या कर दीजिएगा क्योंकि अभी तक मेरा जो है 1K का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, तो प्लीज़ 1K टारगेट को मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि जो मैं आपके लिए और भी ऐसे ऐसे नई नई वीडियो बनाता रहूं, और मैं इतनी मेहनत से वीडियो आता हूं क्या बताऊं, मैं अभी बज रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी मैं डालते डालते रात के 4 बजाते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे को चांस कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मेरी एनर्जी बनी रहे, तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।